हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही खास न्यूज़ लेके आए हैं। बीएड के एग्ज़ाम को लेकर परीक्षा आपके पास, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी क्या प्रमोट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आपका ऑफिशियल साइट का जो नोटिस है आपके सामने, वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो सभी आप लोगों को पता होगा कि आप सभी को पता है भी, लॉकडाउन के लगने के अनुसार बीएड की परीक्षाएं नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, उनके लिए जो पेपर जैसे बाहर से देने वाले बच्चे हैं, वो एस्पेंजेंस की स्थिति में पढ़ रहे हैं फिलहाल, कि हम पेपर देने के लिए आए या फिर नहीं आए। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं दोस्तों मेरे पास, तो उनको देखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाएं। दोस्तों, बात करते हैं, आपको एक कटिंग दिखाते हैं न्यूज़पेपर की जो आपके पास कल की डेट में आई हुई थी। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों कॉलेज में 1 से 31 जुलाई तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। तो ये आपके पास साफ साफ शब्दों में कह रखा है, अमर उजाला की कटिंग में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जल्द होगी परीक्षा की डेट शीट जारी और 7 अगस्त तक रिजल्ट आएगा दोस्तों। ये आपके पास कल की डेट में ये न्यूज़ आई हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी, बात को लेकर हम आपको बताते हैं भाई इसमें क्या है दोस्तों। देखिए, आपके पास कल की डेट में आई हुई थी कॉलेज की जो परीक्षाएं होंगी वो आपके पास 1 से 31 तक होंगी, और आपके पास ओनली होंगी फाइनल ईयर की होंगी आपके पास ये परीक्षाएं दोस्तों। बात देखिए, आपके पास एक नोटिस पीछे आया हुआ था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके पास जो असमंजस में जो स्थिति में पढ़ रहे थे, आपके पास जो बाहर के विद्यार्थी जैसे बिहार वाले साइड है, जैसे आपके पास यूपी वाले साइड है, वो जैसे आते हैं पेपर देने के लिए हरियाणा के अंदर, स्टेट के अंदर आते हैं, वो जैसे हॉस्टल में रेस्टोरेंट वगैरह में रुकते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि फिलहाल क्या चल रहा है भाई, कोविड-19 की वजह सरकार ने सभी को क्या कर रखा, बंद कर रखा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके पास इसमें क्या क्या लिख रखा है दोस्तों। तो आपके पास लिख रखा है, हायर एजुकेशन और आपके पास एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेज के कुलपति प्राचार्यों को इस संदर्भ में आदेश दिए हैं कि जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च एवं टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत फाइनल सेमेस्टर के सभी कोर्स की परीक्षाएं आपके पास लिखित आयोजित होंगी, बट आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी दोस्तों। साफ साफ शब्दों में आपके पास लिख रखा है, चाहे वो आपके पास यूजी क्लास में हो, चाहे आपके पास पीजी क्लास में हो, चाहे आपके पास वो कोर्स बीबीए का हो, बीसीए का हो, बीटेक का हो, बी फार्मेसी का हो, आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होंगी, ये आपके साफ साफ नोटिस में लिख रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इनसे आगे हम पढ़ते हैं, हरियाणा के बाहर से आने रहने वाले छात्रों को लिखित परीक्षाओं में विकल्प रखा गया है। यदि वो आते हैं तो वो परीक्षाएं दे सकते हैं। और आपके पास साफ शब्दों में कह रखा है, तो उनका पिछली कक्षाओं के आधार पर जो उनके एवरेज नंबर आए हुए थे उनकी बेस पे क्या करेंगे, उनको 50 वृद्धि वेटेज देकर अगले सेमेस्टर में क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों। साफ शब्दों में कह रखा है, यदि विश्वविद्यालय इनकी भी परीक्षाएं लेना चाहता है तो वो साफ शब्दों में क्या लिख रखा है, जिन छात्रों की रीअपियर है उन्हें भी अगले सेमेस्टर में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। इनकी रीअपियर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है भाई, उनके रीअपियर की जो परीक्षाएं हैं वो बाद में आपकी आयोजित कर दी जाएंगे, फिलहाल के स्टेज के लिए क्या कर दिया जाएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, मतलब अगले सेमेस्टर में बैठा दिया जाएगा दोस्तों। जब भी आपके पास भविष्य में जैसे आप कोई ये कोरोना रोकथाम ये रुक जाएगा, तो इसकी वजह से आपके पास बाद में क्या ले लेंगे, चाहे आपके पास आपके पास साल लगे, चाहे आपके पास 6 महीने लगे दोस्तों, आपकी परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए क्या कर दिया जाएगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों। बीएड के जो छात्र हैं उनको भी बिना परीक्षा के क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। जैसे आपको पता है भाई, आपको ये पता है जो बीसीए, बीबीए, बीटेक इन विद्यार्थियों के लिए जो नोटिस जारी किया था और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी जारी किया था अपने स्पीच के माध्यम से कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी दोस्तों।
तो उनकी बात को रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों काफ़ी लोग असमंजस में पड़ रहे थे कि हम परीक्षा देने के लिए आएँ तो हमारे बीएड की परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपके पास बीएड की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल उनकी कोई भी परीक्षाएँ नहीं होंगी, उनको प्रीवियस बेस पे बीएड के जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं दोस्तों होंगी। ये आपके लिए बहुत ही अहम नोटिस है। तो बीएड के सेकंड ईयर की परीक्षाएं दोस्तों होंगी, ये आपके पास जल्दी नोटिस आ जाएगा इसका, अगस्त में आपके पास ये परीक्षाएँ होंगी। तो दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, अपने साथियों तक अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग बिहार में जो लोग यूपी साइड हैं दोस्तों यहां आएंगे उन तक भी इस खबर को पहुंचाएं। दोस्तों आज के लिए वीडियो के अंदर आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।